हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितु राजू हियर गाइस। आज के जो होल वीडियो होने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ आज के होल वीडियो को सारे दुर्गास आउट देयर। मेरा कोटी कोटी प्रणाम सारे दुर्गा माताएं को, एंड अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सारे मिलकर बोलो दुर्गा मैया की जय। तो ब्लेसिंग्स ले लिए दुर्गा मैया के, अब हम शुरू करते हैं अपने होल व्लॉग। सो गाइस, कुछ कपड़े मैंने मिंत्रा से लिए हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से लिए एंड कुछ मीशो के, और सारे मैंने बहुत कम प्राइस में लिए हैं। सो आई कांट वेट टू शो यू ऑल गाइस। एंड मोस्ट ऑफ देम आर टॉप्स, ट्रेंडी टॉप्स, ऊपर के जो कपड़े होते हैं फैशनेबल वाले टॉप्स, वही है। सो एक एक करके मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, पहली आइटम है फ्लिपकार्ट से, अनपैकिंग हो गए। लेट्स सी, इट्स अ टॉप, ब्लैक टॉप। ये टॉप ऐसा दिखता है, इसका नेकलाइन कुछ ऐसा है, काफ़ी डीप है, एंड देन इट इज स्लीवलेस। देन साइड में जैसे रफल डिज़ाइन, और कहने को तो ये क्रॉप टॉप है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ क्रॉप टॉप बिकॉज ये आपके वेस्ट तक आ जाते हैं। एंड द साइज इज मीडियम साइज। सो अगर आप स्मॉल पहनते हैं तो आप स्मॉल ही मंगवाए, लेकिन मीडियम क्या हुआ, थोड़ी सी लूज हो गई है। सो आप स्मॉल ही ले लीजिए अगर आप स्मॉल साइज के पहनते। एंड दिस इज इन सॉलिड ब्लैक कलर, सो इट रियली गिव्स यू अ क्लासी लुक। और इनका फैब्रिक रहा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के कपड़े को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, बट पॉलिस्टर कपड़े में भी बहुत सारे एडवांटेजेस रहती हैं, जो मैं बताना चाहती हूँ कि दीज आर नॉट प्राइसी, दीज आर नॉट एक्सपेंसिव, दीज आर क्वाइट एक्सेसिबल टू ऑल द पुअर पीपल लाइक मी। और इनका जो ड्यूरेबिलिटी होते हैं बहुत हाई होते हैं, मतलब ये जो कपड़े होते हैं ना वो लॉन्ग लास्ट करते हैं, बहुत साल तक आप पहन सकते हैं। और अगर आप मर भी जाए ना, आपके ये कपड़े ज़रूर आपके साथ रहेंगे। क्या बकवास। जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं वो स्टेन फ्री कपड़े होते हैं, मतलब धाग वगैरह लग जाने से भी बहुत जल्दी धुल जाते हैं। एंड इनको सूखने में, अगर आप इसको ड्राई करने के लिए बाहर सुखाते हैं, तो सूखने में इनको 15 मिनट लगेंगे या तो 30 मिनट लगेंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पॉलिस्टर कपड़े की। नाइस कलर। सो ये है फ्लिपकार्ट से मेरी दूसरी परचेस, इट्स अ क्रॉप टॉप जिनका फैब्रिक अगेन पॉलिस्टर से बने हुए हैं ये। एंड दिस इज स्लीवलेस, और इनका साइज है मीडियम साइज। तो साइज में फिर से एक प्रॉब्लम आ गया है, अगर आप स्मॉल पहनते हैं तो इसका भी आप स्मॉल मंगवा लीजिए, मीडियम थोड़ी लूज है मेरे लिए। एंड दिस मटीरियल इज काइंड ऑफ स्ट्रेचेबल, देख सकते हो ना। प्राइस के हिसाब से इट इज़ अ गुड परचेस, गुड प्रोडक्ट आई मीन। तो इनका प्राइस मुझे पड़ा 229। सो 229 का इतना प्यारा सा टॉप्स फ्रॉम टोके टॉकीज अर्बन। सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सो गाइस, मेरी तीसरी जो परचेस है इट्स फ्रॉम मिंत्रा, एंड वो H&M से लिया मैंने। सो अगेन इट इज़ अ वेरी बेसिक क्रॉप टॉप, एंड इट्स रियली अ हाई क्रॉप टॉप, ठीक है ना। स्लीवलेस है, देन साइज इज स्मॉल, मटीरियल है इसका पॉलिस्टर, एंड ऐसा कुछ दिखते हैं ये। एंड द कलर इज पैरेट ग्रीन, ओके, इट्स रियली प्रिटी कलर। स्क्रीन में कैसे दिख रहा है आई डोंट नो, बट इट्स अ पैरेट ग्रीन कलर। तो ऐसे जो क्रॉप टॉप होते हैं उनका ये फ़ायदा रहता है कि ये सारे बॉटम्स के साथ पेयर अप हो सकती है, ट्राउज़र के साथ अच्छी दिखती हैं, एंड देन जीन्स के साथ अच्छी दिखती हैं, स्कर्ट्स के साथ अच्छी रहती हैं, शॉर्ट्स के साथ अच्छी दिखती हैं, पेयर अप हो जाती हैं। सो और ये अगर आपको बहुत ही क्रॉप लगा हो, और अगर आपको ये बहुत ही छोटी लगी है, आप इसके ऊपर में शर्ट डाल सकते हैं, एंड देन इट विल गिव यू अ वेरी यूथफुल काइंड ऑफ लुक्स। ऐसे कपड़े जब आप पहनेंगे ना, आपको जवानी याद आ जाएगी आपकी। कुछ तो नेक्स्ट परचेज इज फ्रॉम मीशो, एंड इट इज़ नॉट अ टॉप, समझ बात नहीं आती।
तो गाइस ये है एक लॉन्ग स्कर्ट, कुछ ऐसा दिखता है, वेरी 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 सिंपल प्लेन वाइट में एक लॉन्ग स्कर्ट, ऊपर में इनका लगा है इलास्टिक विथ नाड़ा. सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ दिस स्कर्ट बिकॉज मैं बहुत स्केप्टिकल थी इस प्रोडक्ट को लेकर. लाइक इनके जो रिव्यूज़ मैंने पढ़ा ना वो बहुत काइंड ऑफ मिक्स रिव्यूज़ थे. कोई कह रहे थे कि क्या बकवास प्रोडक्ट है, कोई बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे रहे थे. तो आई वॉज इन डाउट कि ये प्रोडक्ट रहेगा कैसा, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस आई थिंक इट्स ओके. बस इनका लेंथ है लगभग 4 मीटर्स के, तो काफ़ी लंबा है. अगर आप लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं तो ये ऐसी टाइप के जो स्कर्ट रहती है ब्लैक एंड वाइट में, वो ट्रेंड पे चल रही है. एंड अगर आप इसको सुंदर सुंदर टॉप्स के साथ पेयर अप करो ना, सो इट विल गिव यू अ वेरी फेमिनिन लुक. जो फेमिनिन लुक रहता है ये स्कर्ट आपको बहुत अच्छी तरह देती है. एंड देन इसको आप टी शर्ट के साथ भी पेयर अप कर सकती हैं, एंड इट विल गिव यू अ वेरी टाइमलेस एफर्टलेस फैशन स्टाइल जो कि मुझे बहुत पसंद है. तो मैं ये पेयर अप करूँगी टी शर्ट के साथ. ओवरऑल इट्स अ रियली गुड परचेस. सो गाइस मेरी नेक्स्ट परचेस है, अगेन इट इज़ फ्रॉम मीशो. मैं खोल के दिखाता हूँ. तो मैंने मंगवाया है एक छोटा सा पर्स, क्योंकि क्या हो गया ना आजकल के जो स्लिंग बैग्स आते हैं वो इतनी साइज में छोटी हो गई है कि मोबाइल फ़ोन घुसाओ या अपना पर्स घुसाओ कन्फ्यूज हो जाए. तो मैंने सोचा चलो पर्स को ही छोटा कर देते हैं. तो मैंने ये मिनी पर्स पॉकेट फ्रेंडली मंगवाया है मीशो से, जिनका प्राइस मुझे पड़ा 321. एंड देन इट काइंड ऑफ गिव्स, तो ये इनका जो पैटर्न है ऐसा है. नाइस चेन है, अंदर देखते हैं कैसा दिखता है. ओह तो अच्छा ही है, मुझको ऐसा ही टाइप का चाहिए था, एक छोटा सा जहाँ पे मैं अपने बहुत सारे कार्ड्स घुसा सकूँ. आइडेंटिटी कार्ड्स, नॉट एटीएम कार्ड्स, ठीक है ना, एक ही एक गरीब इंसान. तो कार्ड्स बहुत सारे घुसा सकूँ, एंड देन पैसे जो थोड़े बहुत होते हैं वो यहीं पर लेके जाए. तो अभी मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व. नाइस क्वालिटी इज़ क्वाइट नाइस. यहाँ पे जो चेन दिख रहे हैं इट इज़ इन गोल्डन कलर, और चेन काफ़ी स्मूथ है, रफ नहीं है. अंदर के जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पेस दिए हैं अलग अलग कार्ड रखने के लिए. पैसे भी रख सकते हैं यहाँ. बेसिकली दीज टू, ऊपर का और जो ये नीचे का, ये वाले साइड में आप पैसे रख सकते हैं, ये साइड में आप बहुत सारे कार्ड्स रख सकते हैं अपने. एंड देन गिफ्ट क्लोज है, चेन बंद करो बस. आई लाइक द फैक्ट दैट इनके जो डिज़ाइन है इट काइंड ऑफ गिव्स गुची वाइब्स. अब क्या करें, गुची नहीं मिला तो यही से काम चलाना पड़ता है. सो ये काइंड ऑफ गिव्स यू अ गुची वाइब्स. एंड इनका एक चीज़ अच्छा लगा, इसमें ना कहीं पे भी वो जो ब्रांड होते हैं ना वो उनका सील नहीं लगाया गया है. सो ये पर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इस हॉल वीडियो की आखिरी प्रोडक्ट रहेगी अगेन फ्रॉम फ्लिपकार्ट. तो इनका अनपैकिंग मैं अभी करूँगी, क्योंकि ये अभी रिसीव किया है मैंने. तो वैसे इट्स अ क्रॉप टॉप. सो ये क्रॉप टॉप ऐसा दिखता है. नेकलाइन इज इन, इनका जो नेकलाइन है वो वी शेप में है, पीछे में भी सेम है प्लंज बैग. एंड देन यहाँ पे दो रस्सी दिए गए हैं जिनको आपको शोल्डर पे बांधना होता है. एंड माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ द प्रिंट. इतना सुंदर प्रिंट्स है ना. इनका जो कलर है ये है रेड कलर, जिनके ऊपर ये छोटा छोटा प्रिंट लगे हैं फ्लावर्स के, वो वाइट है, येलो है एंड ग्रीन में है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड रेड, दिस गिव्स यू अ रियली समर वाइब्स. ऑल्दो इट इज़ विंटर आई नो, बट नेक्स्ट समर के लिए आप पहन सकते हैं ये. एंड इनका फैब्रिक रहा पॉलिएस्टर, साइज रहा मीडियम साइज़. यू कैन ऑप्ट फॉर स्मॉल साइज़ मंगवा लीजिए आप लोग, अगर आप स्मॉल पहनते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लूज़ होने वाला है मुझे. द मटीरियल इज़ क्वाइट स्ट्रेचबल, नॉट वेरी मच बट थोड़ी बहुत स्ट्रेचबल है. फ्रंट में थोड़ी बहुत डिज़ाइन है, बाकी बहुत प्लेन है. एंड देन इट इज़ वेरी लाइट वेट, बहुत हल्का कपड़ा है. जिनको लाइट वेट वाले कपड़े पसंद आते हैं यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर दिस, इट्स क्वाइट प्रिटी एक्चुअली. सो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे. सो गाइज विद दैट आई हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस हॉल वीडियो. अगर आपको इनमें से कुछ भी कपड़े अच्छे लगे यू गाइज कैन चेक अदर लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बार. और अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा यू गाइज कैन
कमेंट, लाइक, शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. I